तो हियर इज हमारे जज नीरज भैया और इन वॉकर भैया। ये कौन है सुबह सुबह यहाँ पे? ये मैं हूँ सुबह सुबह यहाँ पे। सो मैं और विनय आ चुके हैं अभी यहाँ पर हम मडवाड़ी स्टेशन, बिकॉज नीरज भाई एंड इन्वोकर भाई आ गए हैं और आ ही रहे होंगे, अभी अंदर हैं तो उनका वेट कर रहे हैं हम, उनको रिसीव करेंगे और फिर हम जाएंगे होटल पर और फिर 9 बजे से 9:30 बजे से वर्कशॉप चालू हो जाएगी, बैटल चालू हो जाएगा। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि अपने साथ अपने दिल्ली के भैया लोग कह सकते हो, बढ़िया डांसर कह सकते हो, तगड़ा आर्टिस्ट कह सकते हो, जज लोग कह सकते हो, भाई मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग कंटिन्यू बने रहो, है ना। और सुबह सुबह नींद तो यार खुलती नहीं है, कैसे कैसे खोल के आया, तो इस चेहरे पे मत ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि चेहरा बहुत ठीक है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो ठीक है, अभी आने दो, फिर मैं कराता हूँ आप लोग से भेंट। तो अभी हम होटल पे ही आ गए, डायरेक्ट मैं व्लॉग नहीं बना पाया, बहुत सारा कंफ्यूजन था इसलिए, ठीक है, व्लॉग। सो हियर इज हमारे जज नीरज भैया और इन वॉकर भैया। तो वहाँ पर कैसा मास्क था तो मैंने नहीं बनाया व्लॉग, अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो हेलो भैया, कैसे हो? हेलो, नारा था गए अभी और नीरज भैया इन द हाउस, सब एवरीवन मास्क भी हटाइए, मास्क हटाइए। ये सो ओमी और मैं, सो अभी चलते हैं, धीरे धीरे काम होता रहेगा, आपको दिखाते रहूंगा मैं ब्लॉग, ठीक है। अभी थोड़ा सेटलमेंट करा लूं फिर बात करता हूं इत्मीनान से। अरे यार, सोचा था ब्लॉग बनाऊंगा बढ़िया, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा यार, क्या ब्लॉग बनाऊंगा मैं। हाँ, हालत देख रहे हो आंखों की, तो ये है कि यार इतनी थकावट हो गई है ना, मतलब मैंने सोचा था जजेस को भाई फिर आना जाना सब कुछ, तो पूरी टीम का इतना मतलब हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है कि क्या बताऊँ। फिलहाल वर्कशॉप चालू हो गई है पॉपिंग की, मैं दिखाता हूँ अंदर सीन क्या है, ठीक है। ये हमारा पूरा आउटडोर है बच्चों के लिए और ये इनडोर है, यहाँ वर्कशॉप, ये देखो ये वर्कशॉप चालू है। तो पॉपिंग की जो वर्कशॉप है वो ख़त्म हो गई है, धूप बहुत तेज़ है, एकदम दिखाई नहीं दे रहा, सही बता रहा हूँ मैं, तो पॉपिंग की जो वर्कशॉप है वो ख़त्म हो गई है और अब जो हिप हॉप की वर्कशॉप चालू हो गई है, तो आइए देखते हैं हिप हॉप की वर्कशॉप। शॉक ख़त्म हो गई है, बैटल स्टार्ट होगा, तैयारी है सबकी। हाँ भैया, व्लॉग में आ गए हैं हमारे सिंह डिजिटल पार्टनर। काम करते हुए मजदूर आदमी एक मजदूर, ये भी मजदूर आदमी हमारे इवेंट में
ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा मुझे आगे खुशी मिलती है, राइट, चाहे वो 2 साल पहले का हो चाहे वो आज हो, हमेशा खुशी होती है बिकॉज इस शहर का वाइब अलग है और इस शहर का सीन, इस शहर के लोग अलग है। और मैं आया हूँ आपके शहर वाराणसी में इस जैक को होस्ट करने के लिए, जिसका नाम है हिप हॉप जनरेशन वॉल्यूम 2। एवरीबॉडी मेक सम नॉइज। ओके, हिप हॉप जनरेशन वॉल्यूम 2 एक स्पेशल जैक इसलिए भी है बिकॉज काफी आई गेस 1-2 सालों के बाद कोई नेशनल जैक हो रहा है वाराणसी में। सारा क्रेडिट जाता है इस जैम के ऑर्गेनाइजर्स को, सो एक बार सभी लोग गिव इट अप फॉर द ऑर्गेनाइजर ऑफ द जैम आनंद सुमन एंड विनय, जिन्होंने ये जैम ऑर्गेनाइज किया है। एवरीबॉडी पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आनंद विनय एंड सुमन। ओके, अगर मैं अंडरग्राउंड की बात करूं तो ऐसे तो भाई ने बहुत सारे जैम दिल्ली और दिल्ली के बाहर जीते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि कंट्री के बाहर भी इस बंदे ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। ये एक पहला फ्रीस्टाइल हिप हॉप डांसर है जिसने इंडिया के बाहर 2 कंट्रीज में वर्कशॉप दी है और जज किया है, और वो 2 कंट्रीज है श्रीलंका एंड भूटान। सेकेंड थिंग इज ये तो जजमेंट और वर्कशॉप की बात, बैटल्स में इस बंदे ने इंडिया को 2 बार रिप्रेजेंट किया मलेशिया में, एक बार व्हाट्सएप डॉग जैम में जहां पे ये 2-on-2 रनर अप था पियोट के साथ, और दूसरी बार द जजमेंट डे जैम में जहां पे सेमी फाइनलिस्ट था उसी जैम में। सो एवरीबॉडी फ्रॉम न्यू दिल्ली रिप्रेजेंटिंग गुड टू हाउस प्रोजेक्ट इंडिया एंड आरवीएल क्रू इन What?
अभी हमारा नीरज भाई का जैसे कि ब्रीदर फिनाले का फिनाले है कल, जल्दी में थोड़ा बोल नहीं पा रहा हूँ, तो अभी ये जा रहे हैं, इनको हम बाय-बाय करेंगे और वोट करो। बहुत ही अच्छा इवेंट था, बहुत ही सही इवेंट था और बहुत ही स्मूथली गया, मजा आया, मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बहुत ही एक्साइटेड था आने के लिए और यहाँ पे आके पहले अच्छा लगा, मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया बट मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा हुआ। ओके ठीक है, तो फिर अभी आप आगे का हम देख लेंगे जैसा होता है, हम चलते हैं इनको ड्रॉप करने। चलो इवेंट हो गया अभी खत्म, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ जो था मैंने दिखा दिया, अभी इवेंट भी संभालना है, अभी ब्लॉग भी करना है, तो अपना बहुत सारा स्टाइल है, तो अभी ये मेरे को करना पड़ेगा, अभी खोलना और बांधना है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम जाएंगे, मेरा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा आगे आगे, ठीक है, लाओ मैं पकड़ लेता हूँ, थैंक यू सो मच, ब्लॉग अपना कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल के लिए अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, कुछ और करता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, नेवर गिव अप, ऑलवेज ब्लेस्ड।